सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, मेरे YouTube फैमिली पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। तो माता रानी के ही नवरात्रि जो है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं। पहले भी मैं इस तरीके के वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम सब बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं माता रानी का दरबार सजाने में, और माता रानी की पूजा पाठ के 9 दिन हम किस तरीके से बिताने वाले हैं वो हम डे बाय डे शेयर करने वाले हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम माता रानी के लिए समय निकालते हैं और इस तरीके से पूजा पाठ में ध्यान लगाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम दिन की पूजा जो है ना उसका दरबार हमने लगाया है। माता रानी को लाल कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, सो माता रानी का ऑलमोस्ट पूरा ही दरबार मैंने लाल कलर से सजाया है। और साथ में ही यहाँ पर माता रानी के वस्त्र, फूल, माला, प्रसाद वगैरह भी निकाल कर मैंने रख लिया है। ये छोटा सा दरबार आपको एक जगह स्थायी रूप से बना लेना है, क्योंकि 9 दिन हम इसी जगह पूजा करने वाले हैं। सो आपको जहाँ पर भी कंफर्टेबल लगे उस जगह को आप चूज़ कर लीजिए, और अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद माता रानी की चौकी जो है ना वो हमें बना लेनी है। और लाल कलर मिले तो लाल कलर से ही आप सजाएं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और शुभ भी माना जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा मैंने रेड कलर से सजाने के बाद माता रानी को स्थापित कर दिया है, और साथ में ही फूल, माला और पत्तियाँ, तोरण वगैरह से दरबार का संपूर्ण लुक मैंने यहाँ पर बना लिया है। कलश वगैरह की स्थापना कर दी है। जो लोग जबारे बोते हैं वो लोग जबारे वगैरह भी बो सकते हैं, बट मैंने कभी जबारे नहीं बोए हैं। सो मैं जबारे वगैरह नहीं बोती हूँ, वो हमारे यहाँ मम्मी करती हैं। सो मम्मी ही जबारे करती हैं। हम लोग व्रत और पूजा पाठ इस तरीके से करते हैं। सो यहाँ पर मैं और मेरा बेटा और हस्बैंड, हम तीनों लोग ही सुबह से माता रानी का दरबार सजाने में लग गए हैं। और आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण जो है ना पूजा विधि यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। सो दरबार सजाने के बाद हम लोग सुबह से ही उत्सुक होकर बैठे हैं कि हमें आज पूरा दिन पूजा पाठ में ही बिताना है। यहाँ पर मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही बैठ गए हैं, और अब बारी आती है हवन करने की। सो हवन सामग्री वगैरह हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं, और मेरे बेटे को पूजा पाठ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो जब भी हम लोग करते हैं तो वैभव को ज़रूर अपने पास बैठाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कपूर है और बाकी की हवन सामग्री वगैरह है, और हवन सामग्री में थोड़ा सा घी वगैरह डालकर मैं यहाँ पर बनाकर तैयार कर ले रही हूँ, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर हवन करना स्टार्ट करेंगे। सो आपको क्या करना है कि स्थायी रूप से एक जगह चौकी लगा लेनी है, ताकि आप आराम से 9 दिनों तक वहाँ पर आराम से बैठ के पूजा पाठ कर सकें, और कंफर्टेबल तरीके से आप पूजा पाठ आराम से कर पाएँ। सो मंदिर से हटके मैंने यहाँ पर लगाई है, और अब हमारे आरती करने का समय हो चुका है। हवन वगैरह मैं, हस्बैंड और बेटे हम तीनों लोगों ने कर लिया है, और अब हम करने जा रहे हैं आरती।
यहाँ पर आरती वगैरह हमारी संपन्न हो चुकी है और आरती कंप्लीट होने के बाद मैं सभी को टीका लगाती हूँ, बेटे को, हस्बैंड को, और मैं सुहाग भी लेती हूँ। कुछ लोग नवरात्रि के पहले दिन ही माता रानी को श्रृंगार वगैरह भी अर्पित करते हैं। अपना अपना अपने अपने घर का अलग अलग तौर तरीका है। मैं सप्तमी को या फिर अष्टमी को माता रानी का संपूर्ण श्रृंगार जो है ना वो अर्पित करती हूँ, और उसके बाद अष्टमी या फिर नवमी को उस श्रृंगार को मैं अपने लिए निकालती हूँ और मैं उसे यूज़ करती हूँ। और अष्टमी या नवमी के दिन ही जिस दिन भी मुझे कंफर्टेबल लगता है उस दिन मैं कन्या भोज भी करती हूँ। और यहाँ पर जो है ना अपना अपना अलग अलग रहता है, मेरा जो है वो मैं इस तरीके से करती हूँ। बट कुछ लोग पहले दिन ही माता रानी को श्रृंगार वगैरह अर्पित करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कौन से दिन क्या करना चाहते हैं। बट प्रथम दिन का जो मेरा पूजा पाठ है वो कुछ इस तरीके का रहा। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा नीचे कॉमेंट करके। जय माता दी।